हालचाल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सब पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 26 है। इससे पहले की 25 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आपका यूनिट 3 चल रहा था, जो कि जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि इस यूनिट में हम वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने मैमेलियंस के जनरल कैरेक्टर एंड उसकी क्लासिफिकेशन की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स एंड देयर बाइटिंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स में क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, यानी कि किस तरीके से हम पॉइजनस स्नैक को नॉन पॉइजनस स्नैक से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्नैक जो पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी आज की इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और नोट्स रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें कि आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है। इसलिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर कि आप सभी को सारी नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है, उसके साथ ही साथ आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिल जाया करती है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्नैक के हेड शेप के बारे में, कि नॉन पॉइजनस स्नैक का हेड शेप और पॉइजनस स्नैक का हेड शेप कैसा होता है और एक दूसरे से कितना डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले पॉइजनस स्नैक का कैसा होता है। पॉइजनस स्नैक्स हैव ट्राइंगुलर और वाइड शेप्ड हेड। जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर या फिर वाइड शेप्ड होता है, विच इज़ वाइडर एट द बैक, जो कि पीछे के साइड से ज़्यादा वाइड होता है, यानी कि इनका जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर एंड वाइड शेप्ड होता है, जो कि पीछे के साइड से बैक साइड से ज़्यादा वाइड होता है। इसके बाद नॉन पॉइजनस स्नैक का कैसा होता है। नॉन पॉइजनस स्नैक्स हैव राउंड और ओवल शेप्ड हेड, यानी कि जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं इनका जो हेड होता है वो राउंड या फिर ओवल शेप्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्यूपिल शेप, यानी कि इनके प्यूपिल का शेप कैसा होता है। प्यूपिल का शेप पॉइजनस स्नैक्स में होता है स्लिट लाइक, इलिप्टिकल प्यूपिल्स होते हैं इसमें, एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स में राउंड प्यूपिल्स होते हैं, यानी कि जो पॉइजनस स्नैक का प्यूपिल होता है वो दीर्घ वृत्ताकार या फिर जिसे हम अंडाकार कह सकते हैं वैसा होता है, और नॉन पॉइजनस स्नैक्स में राउंड होते हैं, यानी कि गोलाकार प्यूपिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कलरेशन। पॉइजनस स्नैक जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं। ऑफन ब्राइटली कलर्ड विद डिस्टिंक्ट पैटर्न्स, यानी कि जो पॉइजनस स्नैक होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कि ब्राइट कलर के होते हैं, डार्क कलर के नहीं होते हैं। जितने भी पॉइजनस स्नैक होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं एंड उनका डिस्टिंक्ट पैटर्न होता है। इसके साथ जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं वो मोर म्यूटेड कलर्ड के होते हैं एंड सॉलिड शेड्स होते हैं, यानी कि ये डार्क कलर के पाए जाते हैं। जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, और पॉइजनस स्नैक्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं या फिर लाइट कलर के होते हैं। इसके बाद है टेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक है उनका टेल कैसा होता है। तो पॉइजनस स्नैक का टेल होता है रेटल्स एंड ब्राइट कलरेशन इन यंग, यानी कि रेटल्स मतलब जो पॉइजनस स्नैक्स चलते हैं तो उनमें से एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, उस टेल के टाइप को कहते हैं रेटल्स। रेटल स्नैक्स में ऐसा होता है कि जब ये चलते हैं या फिर लोकोमोशन करते हैं तो उससे आवाज़ आती है, और इनके जो टेल का कलर होता है वो ब्राइट कलर का होता है, किसमें, यंग में, यानी कि पूरी बॉडी से ज़्यादा ब्राइट कलर का इनका टेल होता है जब ये यंग होते हैं पॉइजनस स्नैक्स। जबकि नॉन पॉइजनस स्नैक्स में रेटल्स नहीं होते, यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं होती है, एंड ओफन यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस, इनका जो टेल का अपीयरेंस होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि पूरी बॉडी के कलर का ही इनका टेल भी होता है। लेकिन पॉइजनस स्नैक्स में जब ये यंग होते हैं तो इनका टेल ज़्यादा ब्राइट कलर का होता है पूरे बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में। इसके बाद हम और कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है बॉडी साइज एंड शेप, यानी कि जो स्नैक्स की बॉडी साइज और शेप क्या होती है। तो सबसे पहले पॉइजनस स्नैक्स की कैसी होती है। टिपिकली स्टोइकर एंड मोर रोबस्ट बॉडी शेप, यानी कि इनका जो बॉडी शेप होता है वो टिपिकली स्टोइकर एंड मोर रोबस्ट होता है। नॉन पॉइजनस स्नैक्स का कैसा होता है, ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं, यानी कि कुछ नॉन पॉइजनस स्नैक्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस स्नैक्स जैसा बॉडी शेप रखते हैं।
नेक्स्ट है डिफेंसिव बिहेवियर, यानी कि जब कोई विक्टिम इनके पास जाता है तो ये डिफेंसिव बिहेवियर में क्या दिखाता है, मतलब किस तरीके से खुद को डिफेंस करते हैं। तो पॉइजनस स्नेक्स क्या करते हैं, रैटलिंग करते हैं, हुडिंग करते हैं। हुडिंग मतलब क्या होता है, सिरोवेस्टर्न, यानी कि ये अपना माउथ वाला पार्ट, जो हेड वाला पार्ट होता है, उसको उठाकर विक्टिम को डराने की कोशिश करते हैं और एग्रेसिव पॉस्चर बनाकर विक्टिम को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये दिखाते हैं कि ये बहुत गुस्से में है, जिससे कि विक्टिम डर के इनसे दूर चला जाता है। ये पॉइजनस स्नेक्स में होता है। लेकिन नॉन पॉइजनस स्नेक्स का क्या होता है, फ्लैटनिंग होता है एंड नॉन कन्फ्रोटेंटियल बिहेवियर, यानी कि इनका जो बिहेवियर होता है वो पीसफुल होता है। नॉन पॉइजनस स्नेक्स का बिहेवियर पीसफुल होता है, यानी कि इनका एग्रेसिव, ये कोई एग्रेसिव पॉस्चर नहीं दिखाते हैं जब विक्टिम इनके पास जाता है तो, या फिर उसे डराने की कोशिश नहीं करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या है पॉइजनस स्नेक्स का, कॉमन एग्जाम्पल है कोबरा, किरैत, पिट वाइपर, रेटल स्नेक एंड सी स्नेक। जितने भी सी स्नेक्स होते हैं, जितने भी कोबराज होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक्स कौन कौन से होते हैं, पाइथन, रायोफिस, प्रोफिडोंटस एंड डेंड्रोफिस। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के। इसके बाद नेक्स्ट है बाइटिंग मैकेनिज्म, यानी कि जब कोई विक्टिम इनके पास जाता है, जब उसे स्नेक बाइट होती है, तो उसमें क्या मैकेनिज्म होता है इनके जॉ बोन्स में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके स्कल और जॉ बोन्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब ये किसी विक्टिम को बाइट करते हैं या फिर स्नेक बाइट होती है। द स्कल एंड जॉ बोन्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर लूजली और मूवेबली आर्टिकुलेटेड, दस अलाउविंग अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलविंग और स्ट्राइकिंग। क्या होता है, इनकी जो स्कल एंड जॉ बोन्स होती है पॉइजनस स्नेक्स की, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और ये लूजली और मूवेबली आर्टिकुलेटेड होती हैं। इसलिए क्या होता है, जब किसी विक्टिम को ये बाइट करते हैं तो इसमें कंसिडरेबल डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट दिखाई पड़ता है जब ये स्वेलविंग करते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं किसी विक्टिम पे। कोबराज में क्या होता है, जो फैंग्स होते हैं वो परमानेंटली इरेक्ट होते हैं, लेकिन वाइपर्स में जो इनके लार्ज फैंग्स होते हैं, यानी कि कोबराज के फैंग्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो हमेशा इरेक्ट ही रहते हैं, लेकिन वाइपर्स में फैंग्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और कहाँ लगे हुए रहते हैं, उनके माउथ जो होती है उनके माउथ के रूफ पर लगे हुए रहते हैं इनके फैंग्स। जो वाइपर के फैंग्स होते हैं वो उनके माउथ के रूफ से लगे हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं व्हेन क्लोज्ड, जब इनका माउथ बंद होता है। देयरफॉर मैकेनिज्म ऑफ बाइटिंग सर्व्स टू मेन पर्पस, इसलिए जो बाइटिंग मैकेनिज्म है वो टू मेन पर्पस को कंप्लीट करती है। अब कौन कौन से मेन पर्पस को कंप्लीट करती है ये हम आगे जानेंगे। फर्स्ट क्या होता है, इरेक्शन ऑफ फैंग्स एंड सेकेंड है इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इन टू द विक्टिम्स बॉडी। तो पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है बाइटिंग मैकेनिज्म की, व्हेन अ वाइपर वांट्स टू स्ट्राइक, जब एक वाइपर स्नेक स्ट्राइक करना चाहता है तो उसमें क्या होता है, कई सारे मूवमेंट्स की एक सीरीज होती है, कई सारे मूवमेंट्स एक साथ होते हैं, सीरीज के फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स, डाइजेस्टिव मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि माउथ ओपन हो जाता है और जो क्वाड्रेंट का लोअर एंड है वो आगे की तरफ पुश होता है। इसके बाद जो क्वाड्रेंट का लोअर एंड है वो क्या करता है, टेरिगॉइड को आगे की तरफ पुश करता है, फॉरवर्ड पुश करता है। दिस इज ऑल्सो एडेड बाई द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेनोटेरिगॉइड मसल्स। ये इसके किसके द्वारा भी होता है, यानी कि एक तो क्वाड्रेंट के आगे की तरफ पुश होने से होता है, दूसरा स्पेनोटेरिगॉइड मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से भी जो टेरिगॉइड है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। द फॉरवर्ड पुल ऑफ टेरिगॉइड इन टर्न पुशेस द एक्टोटेरिगॉइड अपवर्ड्स, यानी कि जो आगे की तरफ खिंचाव होता है टेरिगॉइड का वो पुश करता है एक्टोटेरिगॉइड को ऊपर की तरफ, यानी कि जब टेरिगॉइड आगे की तरफ पुल होता है तो एक्टोटेरिगॉइड ऊपर की तरफ चला जाता है। दिस कॉजेज द मैक्सिला बियरिंग फैंग्स टू रोटेट थ्रू 90 डिग्री एट द हिंज जॉइंट। आप सभी डायग्राम देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जो मैक्सिला होता है जिसमें फैंग्स लगे हुए होते हैं वो रोटेट होता है 90 डिग्री पर हिंज जॉइंट पे, यानी कि हिंज जॉइंट पे जो मैक्सिला होता है वो 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है जिसमें कि फैंग्स लगे हुए होते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, द फैंग्स बिकम वर्टिकली इरेक्ट। इससे क्या होता है, जो फैंग्स होते हैं वो वर्टिकली इरेक्ट हो जाते हैं और ये स्ट्राइक की मोस्ट इफेक्टिव पोजिशन होती है। और साइमल्टेनियस स्ट्रेचिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर मसल्स, यानी कि इसी के साथ स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स क्या करता है, पॉइजन, जो कि पॉइजन ग्लैंड के चारों तरफ पाया जाता है। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स
पॉइजन ग्लैंड के चारों तरफ पाया जाता है। इसी प्रोसेस के साथ जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो कि क्या करता है इसके पॉइजन को फोर्स करता है पॉइजन डक्ट में, जो कि कैनाल ऑफ फैंग, फैंग के कैनाल में जाती है और विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। यानी कि जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स है वो स्ट्रेच होकर पॉइजन को आगे की तरफ पुश करते हैं, जो कि फैंग्स के कैनाल में जाकर विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है। When mouth is closed by the contraction of temporal muscles, जब माउथ क्लोज होता है टेम्पोरल मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के साथ, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ऊपर जितने भी मूवमेंट्स बताए गए वो फिर से रिवर्स किए जाते हैं, यानी कि रिवर्स बाइटिंग मैकेनिज्म होता है और स्नैक का जो माउथ होता है वो क्लोज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूल।